बच्चों, आप लोग आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग कोशिश कर रहे होंगे कि मौका अच्छा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली जाए ताकि हम चीजों को समझ सकें। और अभी जैसे 12th का मैंने सीरीज शुरू किया है, 12th क्लास के सॉल्यूशन की बातें कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन चैप्टर जब तक मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में सारी बातें की हैं, तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं करने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, खासकर जेईई नीट एग्जाम के लिए, इसके बगैर जो अगर हम सॉल्यूशन की बात तस्वर करना भी, सोचना भी, थिंक करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बात है। तो उसी टॉपिक पे मैं डायरेक्ट जाते हैं, टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा आपका, जहां तक कोशिश करता हूं मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर। इस टॉपिक इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। तो पहले हम सोचते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों आई। पहली कंडीशन याद रखिए कि हम वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर अपने आप को चेंज नहीं करते, चेंज करने का मकसद यहाँ पे या तो वो टूट जाते हैं या तो जुड़ जाते हैं। अगर टूट या जुड़ना नहीं होता, मतलब ब्रेक करना, डिसोसिएशन कहलाता है, डिसोसिएशन का मतलब आपस में कंबाइन करना, अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो वहां पे हमें वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। रीजन किसके पीछे है? अगर कोई सब्सटेंस वाटर में या सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या सुटेबल सॉल्वेंट के मिक्स होने के बाद अगर या तो वो डिसोसिएट कर जाए तो होता क्या है, या फिर एसोसिएट कर जाए। खासकर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, खासकर लिटिल बिट आयनिक कंपाउंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए तो हम ये पाते हैं कि वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट में जाने के बाद वो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, उसका मोलर मास बढ़ जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग हियर। तो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए, जहां पे पार्टिकल या तो एसोसिएट करते हैं सुटेबल सॉल्वेंट में जाने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल, या डिसोसिएट करते हैं, वैसे कंडीशन में हम वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगले अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली आई वैल्यू है, आई वैल्यू से रिलेट किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोसिएट करते हैं या तो एसोसिएट करते हैं। करने की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में बात की जाएगी। बेसिकली आई की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा गया, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। ये मेन फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है आपके पास यहां पे, ये फर्स्ट फॉर्मूला बताया वेंट ऑफ फैक्टर का। दैट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं या तो एसोसिएट डिसोसिएट करता है, उसके बाद डिसोसिएशन के बाद का नंबर ऑफ पार्टिकल। अब कहा इफ आई इज इक्वल टू वन, अगर वैल्यू आती है आपकी इस फॉर्मूले से, ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन बिकम नॉर्मल, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद नीदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में है। कहता इफ आई वैल्यू इज मोर देन वन, समझ जाइए कि वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल अंदर जाने के बाद डिसोसिएशन करते हैं। आई इज इक्वल टू लेस देन वन, इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन कहलाता है। इस आई से बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये है, तो प्रॉब्लम आती क्या है कि जो एग्जैक्ट मोलर मास सॉल्यूट पार्टिकल का होता है, वो अगर वो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाएंगे तो मोलर मास जो आप कहेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, किससे? कैलकुलेटेड वैल्यू से। इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू बढ़ जाएगी, किससे? कैलकुलेटेड से। कैलकुलेशन का मतलब थियोरेटिकल वैल्यू। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए NaCl को अगर आप लें एक्वस में, इसे ब्रेक करेंगे आप तो ये Na प्लस और Cl माइनस एक्वस बन जाता है। आप सब जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। हमने सॉल्यूट तो NaCl लिया था, वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो Na के पार्टिकल यहाँ पे Na प्लस आए और यहाँ पे Cl माइनस आए। तो यहां पे पार्टिकल हमारे पास एक थे, यहां पार्टिकल हमारे पास दो थे। तो इसी को वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करता है वो करता है एबनॉर्मल मोलर मास की। एबनॉर्मल मोलर मास, जो मोलर मास निकालने में जो फॉर्मूला, प्रीवियस फॉर्मूला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आप अप्लाई करते हैं, अगर वो फॉर्मूला से अगर आप मोलर मास निकाले, अगर मोलर मास में प्रॉब्लम आए, एग्जैक्ट मोलर मास नहीं आता, या तो मोलर मास ज्यादा आएगा या कम आएगा, वैसे कंडीशन में ये आपके पास
ये एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, उस एबनॉर्मलिटी को शॉर्ट आउट करने के लिए, दूर करने के लिए बेसिकली वेंट्हॉफ फैक्टर लगाया जाता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं आई इज इक्वल टू वन, डिसोसिएशन में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आई का एक फॉर्मूला और भी होता है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है, या आई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपके पास आ सकता है, आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। तो आप ये पाएंगे कि जब कोई डिसोसिएट करता है तो जो मोलर मास होता है एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वे से वो वैल्यू कम हो जाती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम आई की वैल्यू क्या होती है मोर देन वन, इसलिए डिसोसिएशन की हम बात करते हैं। अब क्या इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उस शॉर्ट आउट करने के लिए कहा कि आप कुछ मत कीजिए, जितने सारे फॉर्मूले आपने पढ़ा है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, पी जीरो ए माइनस पी एस अपॉन पी जीरो ए इक्वल टू आई आई बी, कहा आई फैक्टर सब में अप्लाई कर दीजिए, जो इसकी प्रॉब्लम होगी वो हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, और पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ये सारे फॉर्मूले को इसने आई के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ये सर्टिफाई करने की कोशिश की जो प्रॉब्लम आपकी एबनॉर्मलिटी आ रही थी वो अब नहीं आएगी। अब सवाल उठता है कि क्या सारे के सारे 100% डिसोसिएट करते हैं, सारे के सारे कितना परसेंट डिसोसिएट करते हैं, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वेंट्हॉफ फैक्टर को अल्फा से रिलेट करना, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, उसको रिलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें डेरिवेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिकली जो एबनॉर्मलिटी आ रही है मोलर मास निकालो, जो बेसिक एप्लीकेशन क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का बताया गया आपको, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का विशेष एप्लीकेशन है कि वो किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करता है। अगर यहाँ पे मोलर मास अननोन सॉल्यूट का गलत आता है, कभी ज्यादा या कम आता है, तो वैसे कंडीशन में डेफिनेटली सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने नेचर को चेंज करते हैं, या तो वो डिसोसिएट करते हैं या तो वो एसोसिएट करते हैं। अब सवाल उठता है कितना परसेंट डिसोसिएट करते हैं, कितना परसेंट डिसोसिएट करते हैं, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए उसके लिए अलग हमें जाना पड़ेगा। फिलहाल हम वेंट्हॉफ फैक्टर आई की हम बात करेंगे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, बेसिकली जो वेंट्हॉफ फैक्टर यहाँ के लिए आया गया, अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में आई की वैल्यू वन होती है, वन पुट करेंगे फॉर्मूला बिल्कुल पहले की तरह सेम हो जाएगा। तो जहां पे कोई चेंजेस नहीं होते सॉल्यूट पार्टिकल में, वहां पे आप चाहें तो आसानी से आप डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट आई वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल कंडीशन में उस फॉर्मूले के लिए हमें आई फैक्टर को साथ में लेना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सही होगा। अभी मैं डिराइव करता हूं, बताता हूं आपको। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पे कि फोर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, खासकर जितने सारे आप आयनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl, इसे ब्रेक करेंगे आप Na प्लस Cl माइनस, अगर ये अल्फा की वैल्यू इसकी 100% मतलब 100% टूटते हैं तो आई की वैल्यू डायरेक्ट इसके m के बराबर, m का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इसका आई वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपने लिया CaCl2 तो Ca2 प्लस आयन और 2Cl माइनस आयन, m की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड 3, यही इसका वेंट्हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। कंडीशन मैंने बताया कि जब आप इसमें अल्फा इज इक्वल टू 100% मतलब 1 अगर वैल्यू आती है, मतलब सबके सब टूट जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप चाहे तो यहां पे डायरेक्ट m वैल्यू को ही हम आई मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है L2SO4 का होल थ्राइस, अब अगर ये 100% आयनाइज होगा तो क्या होगा, 2Al प्लस 3SO4 2 माइनस 3 आयन, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। कभी कभी गैसियस कंडीशन में पूछा जाता है PCl5 को ब्रेक करेंगे तो वैल्यू आएगी PCl3 प्लस Cl2, देखिए यहां पे m वैल्यू कितनी जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अगर ये भी अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब 100% है। तो डिसोसिएशन में बताते हैं कि आई की वैल्यू एम तक होती है जब अल्फा इज इक्वल टू 100 होता है, लेकिन सवाल एक जहन में आता है कि अगर ये 100% से कम हो तो बताइए आई की वैल्यू क्या होगी, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे कंडीशन में हमारे पास आई इज इक्वल टू 2 यहां भी आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में आई को हमें आई एंड अल्फा में रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमारे पास ए कोई सब्सटेंस था, टूटने के बाद एम बी बन गया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं,
एम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे 1, 2, 3, 4 कुछ भी होता है। तो मैं ऐसे डिराइव करता हूँ, देखिए लेट अगर हम जानते हैं कि इनिशियली शुरुआत में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में ए दैट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। एट इक्विलिब्रियम अगर आपको याद हो तो हम लिखते हैं ऐसे, ए माइनस ए अल्फा बाहर जाता है और यहां बनेगा एम ए अल्फा, अल्फा तो गया एम पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें वेंट'हॉफ फैक्टर का जो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो इसको ऐड कीजिए ए माइनस ए अल्फा प्लस एम ए अल्फा अपॉन इनिशियली टेकन ए लेते हैं, ये वाले पुट कर दिए। इसी को डिराइव मैं कर रहा हूं आई इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे पूरा ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा हमारे पास हो जाएगा और अपॉन ये देखिए ये मैंने ए कॉमन निकाल लिया, ये कट गया ए। अब देखिए अगर आप देखें तो I इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए आई होप। अब देखिए अगर हम चाहें तो I इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, मैंने इसको इधर कर दिया इसको आगे कर दिया, देखिए इस तरह से किया तो I 1 इधर ले आए तो कैसा रहेगा, I माइनस 1 इज इक्वल टू एम ब्रैकेट ऑफ अल्फा, अल्फा कॉमन आएगा, अल्फा कॉमन आएगा एम माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास आई माइनस 1 अपॉन ये एम माइनस 1 नीचे ले आते हैं, यही मेरा मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को अगर आप देखें यहां पे तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1 है, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फोर अल्फा इज इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने कहा कि 100% डिसोसिएशन अतः अगर होता है तो क्या होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आप यहां वैल्यू पुट कीजिए 1 आई माइनस 1 अपॉन एम की वैल्यू नहीं पता एम माइनस 1, क्लियर है। अब देखिए एम माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट, देखिए आई इज इक्वल टू एम हो जाएगा। जो बात मैंने यहां पे की थी 100% पे उसको मैंने जस्टिफाई किया। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, हमेशा याद रखना है इस चीज को कि अगर मान लीजिए परसेंटेज 75% दिया तो आप यहाँ 0.75 पुट करके आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, तो अल्फा का मतलब याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज का मतलब 100 में मल्टीप्लाई अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एम का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स After dissociation, तो इस तरह से आप इस वैल्यू से इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं साथ में, देखिए इसके न्यूमेरिकल के लिए आई होप आपने इसको, अब वो एग्जाम्पल कैसे लेंगे देखिए, एग्जाम्पल पूछा जाए आपके कि इफ 74% K4 FeCN6 dissolve in water, find out the factor I, the I factor। तो आप ये सोचिए इस चीज को, वॉटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, जहां भी पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो याद रखना वहां पे डिसोसिएशन की बात करनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू 74% दिया तो हम इसे 0.74 ले सकते हैं। अब रहा सवाल देखिए K4FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रूल कहता है कि ब्रैकेट के पहले वाले अंदर वाले कभी आयनाइज नहीं होते, बाहर वाले आयनाइज हो सकते हैं। तो आप इसे 4K प्लस बाकी FeCN का होल 6 4 माइनस ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स हमारे लिए एम इज इक्वल टू यहां पे 5 आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला पे आएंगे अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.74 है और आई की वैल्यू हमारे पास है नहीं पता है निकालना है 1 अपॉन यहां पे 5 माइनस 1। इसे सॉल्व करा जाए तो देखिए 4 × 0.74 इज इक्वल टू आई माइनस 1, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 4×4=16, आई थिंक 2.96 के राउंड आएगा, इज इक्वल टू आई माइनस 1 और आई इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.96। सैंपल एक बार जेई में सवाल आ चुका है, ये जेई मेंस में सवाल है, इस तरह से हम आ सकते हैं। ये तो था डिसोसिएशन की कहानी, बहुत ध्यान देना इस तरह से करना।
नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो उस पर बात करनी है मुझे, वो है फोर एसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद का टॉपिक है, उसमें भी रिलेशनशिप को मैटर है। सेकेंड टॉपिक मेरा है फोर एसोसिएशन के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, एसोसिएशन की पहचान कैसे होती है। अगर आई की वैल्यू लेस देन वन हो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। मैं एग्जांपल समझाता हूं कि मेरे पास CH3COOH प्रेजेंट था, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, इसको मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट, हाई कंडीशन याद रखता है, ये सब स्टाइल अप्लाई करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट को। जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए, इट कैन इजिली अंडरगो एसोसिएशन। वही कहानी यहाँ पे CH3COOH सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या करता है, देखिए ऐसे हॉल्ट वाइज बन जाता है। यहां दो मॉलिक्यूल लिया था, यहां सिर्फ एक बन गया, उसका मतलब दो से एक बनना, टू से तो वन कितना बनेगा, तो कहेंगे वन बाई टू बना। ऐसे अगर हम कहें कि एम मॉलिक्यूल था, एम मॉलिक्यूल से क्या बन गया, एम नंबर ऑफ वन, तो वन मॉलिक्यूल में कितना बनेगा, वन बाई एम, मॉलिक्यूल वन बना, दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं डाइमराइजेशन। दो मॉलिक्यूल ज्वाइंट करने के बाद वन बन जाए, दैट इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। मैं और आगे बताता हूं, थ्री मॉलिक्यूल बन गया, दैट इज कॉल्ड ट्राइमर कहलाते हैं, चार मॉलिक्यूल वन बन गया, दैट इज कॉल्ड टेट्रामर बन जाते हैं। तो अगर मैं कहूं वन मॉलिक्यूल कितना, तो वन बाई टू, ऐसे वन बाई थ्री, वन बाई फोर, वन बाई फाइव, तो वन बाई एम लिख सकते हैं उसको हम, नंबर ऑफ पार्टिकल जब ऐसा, दैट इज एम बिकम वन बाई एम बन जाता है। अब इसके डेरिवेशन की तरफ आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया था एम ए, अब क्या बन गया, ये बन गया बी, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। लेट इनिशियली अगर हम देखें, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है आपने पहले, दैट इज कॉल्ड ए, दैट इज कॉल्ड, अगर हम कहें एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आप ये बात कह सकते हैं ए में से ए अल्फा चला गया, बिल्कुल सही, यहां भी ए अल्फा गया, बटा अपॉन एम हो गया, एम क्यों, क्योंकि डाइमराइज के लिए, देखिए वन के लिए क्या बनेगा, टू, एम के लिए वन, वन अपॉन अपॉन एम हो गया, मतलब राइज डाइमराइज, एम इक्वल टू वन, अगर हम यहाँ एम स्क्वायर एम इक्वल टू थ्री मानते हैं, डाइमराइज का मतलब एम इक्वल टू टू, टेट्रामराइज एम इक्वल टू पहले, दैट इज कॉल्ड ए, दैट इज कॉल्ड जीरो, अगर हम कहें एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आप ये बात कह सकते हैं ए में से ए अल्फा चला गया, बिल्कुल सही, यहां भी ए अल्फा गया, बटा अपॉन एम हो गया, एम क्यों हुआ, क्योंकि डाइमराइज के लिए, देखिए वन के लिए क्या बनेगा, वन के लिए वन, वन अपॉन अपॉन एम हो गया, मतलब डाइमराइज डाइमराइज, एम इक्वल टू वन, अगर हम एम इक्वल टू थ्री मानते हैं, डाइमराइज का मतलब एम इक्वल टू टू, टेट्रामराइज एम इक्वल टू फोर, एम इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितना एसोसिएट कर रहे हैं हम उसकी बात, फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एम अपॉन ए, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन लिखा मैंने सब पार्टिकल को, इनिशियली टेकन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज ए, फिर वही चीज देखिए अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एम आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एम आ गया। अब आप देखिए इसको आई को हम चाहें तो यहाँ पे आई माइनस वन कर सकते हैं और अल्फा बाई एम माइनस अल्फा उधर सकते हैं, हमने वन को इधर ले गए अल्फा को, इसको आगे पीछे कर दिया, सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। अब यहां पे अगर अल्फा कॉमन लेंगे आप तो वन अपॉन एम माइनस वन आएगा और आई माइनस वन, तो फॉर्मूला देखिए अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, तो अगर एसोसिएशन होता है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, जो है अल्फा इज इक्वल टू सेम एज, देखिए एम का मतलब देखिए नंबर ऑफ एसोसिएटेड जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है, और आई माइनस वन की वैल्यू यहाँ पे आप आई वेंट ऑफ 100% है, 24% 24% वो वैल्यू आप पुट करके हर कंडीशन में हर परसेंटेज पे आप चाहें तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आप उस वैल्यू को अप्लाई करके चाहें तो न्यूमेरिकल में जो एब्सोनॉर्मलिटी ऑफ पोलर मास आ रही थी हम उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब ऐसा करते हैं कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या, कैलकुलेट द आई फैक्टर फोर कार्बोक्सिलिक एसिड 60%, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू आपके पास 0.60 हो गया, 60/100 इज इक्वल टू डाइमराइज का मतलब एम की वैल्यू 2 होगी, तो अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू होगा आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एम माइनस वन, अल्फा इज 0.60
I की वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस वन सर इज इक्वल टू इसे लेंगे तो क्या होगा माइनस वन बाई टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू थ्री जो सिक्स आई वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन. तो आप देख रहे हैं आई की वैल्यू क्या है, लेस देन वन है, दैट इज कॉल्ड, इसका मतलब डेफिनेटली ये आपका एसोसिएशन करेगा तो पॉइंट ऑफ फैक्टर वैल्यू कितनी होगी, जीरो पॉइंट सेवन आ जाएगी. इस तरह के सवाल न्यूमेरिकल करने होंगे. अब रहा सवाल कि वेंट ऑफ फैक्टर कहां पे इस्तेमाल किया जाए, कहां पे नहीं किया जाए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये जरूर ख्याल रखें आप, पहले देखिए कोई अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, या फिर वो क्वेश्चन में खुद ऐसी बात जरूर करेंगे इधर एसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, जहां ये लव्स आता है वहां पे आपको वेंट ऑफ फैक्टर आई के प्रॉब्लम को अप्लाई करना पड़ेगा. जहां पे साफ कहीं कोई इंडिकेशन नहीं होगा, जैसे एग्जांपल शुगर कोई बोल दे आपसे, ग्लूकोज बोल दिया आपसे, तो वहां पे ना वो एसोसिएट करता ना डिसोसिएट करता, यूरिया कह दिया आपको. अगर वहां पे परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन की बात करेंगे आपसे, कुछ सवाल पूछेगा वेंट ऑफ फैक्टर वहां पे अप्लाई किया जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है, बाकी आप बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं. अगर कोई डाउट्स हो तो आप जरूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें. थैंक यू.